नमस्ते है जी, मैं हूँ डॉक्टर धैर्यवान, एशियन हीलिंग साइंस से आपका अपना रेकी मास्टर। रेकी हीलिंग से जुड़े बहुत सारे क्वेश्चंस आप रेगुलर मुझसे पूछ रहे हैं, सबके जवाब मैं धीरे धीरे ज़रूर दूंगा, ये वादा है। बहुत सारे सवालों में से एक कॉमन सवाल ये है कि रेकी हीलिंग को कॉल कैसे करें, रेकी हीलिंग शुरू करने से पहले उसको प्रॉपर मैनर में कॉल कैसे करें। बिगिनिंग टाइम पे ये बहुत बड़ा इशू बनता है हर एक हीलर के लिए कि कैसे हम रेकी हीलिंग एनर्जी को अपने ऊपर बुलाएं और रेकी हीलिंग को शुरू करें। चलिए आज मैं आपको रेकी कॉलिंग करने का एक आसान तरीका सिखाता हूँ जो मैं खुद और मेरे सारे स्टूडेंट यही यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम हाथ जोड़ करके किसी भी आसन में बैठते हैं, कुर्सी में, जहाँ भी हम रेकी हीलिंग करने वाले हैं वहाँ बैठ जाते हैं और 10 डीप ब्रीद लेते हैं। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। इनहेल डीपली, एक्सहेल स्लोली। 10 रिपीटेशन ऑफ डीप ब्रीदिंग। ऐसा करते ही हमारा मन शांत हो जाता है, हम क्या करने वाले हैं उस चीज़ को लेके हम फोकस होने लगते हैं। डीप ब्रीदिंग कंप्लीट होते ही हम अपना हाथ जोड़ते हैं और याद करते हैं अपने परमपिता परमात्मा को। हे परमपिता परमात्मा, हे महान रेकी शक्ति, हे परम पूज्य गुरुदेव, हे मुझे सिखाने वाले रेकी मास्टर की पवित्र आत्मा, हे ब्रह्मांड में विचरण करती हुई पवित्र आत्माएं, ओ मदर नेचर, आज मैं यहाँ बैठकर रेकी हीलिंग करना चाहता हूँ। मुझे आशीर्वाद दीजिए, परमिशन दीजिए कि आज मैं रेकी हीलिंग खुद पर या अपने इस मरीज पर या इस घर पर या इस दुकान पर या इस सिचुएशंस पर या इस समय पर या इस हालात पर या इस बीमारी पर, आप कुछ भी बोल सकते हैं, जो आप करने वाले हैं उसका नाम लेंगे, है ना। कृपया आइए और मेरे इस रेकी हीलिंग में मेरी सहायता कीजिए, मुझ पर अपनी कृपा कीजिए। हे महान रेकी शक्ति, ब्रह्मांड से उतर कर सीधे मेरे सहस्त्रार चक्र में समाइए और मेरे सातों चक्रों को ऊर्जावान करते हुए मेरे हथेलियों में स्पंदित होइए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। देन पहला काम चौकोरे डिज़ाइन करना है अपने राइट हैंड से लेफ्ट हैंड में, चौकोरे चौकोरे चौकोरे। और इमेजिन करना है कहीं पे एक पात्र जिसमें नमक भरा हुआ है, पानी वाला नमक है, इसमें एक भरकर पानी है जिसमें नमक डाला हुआ है, या एक अग्निकुंड जलता हुआ। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो, और इसे उसमें डाल देंगे। इमेजिनरी होगा वो, अपनी कल्पना में होगा वो। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, दूसरी बार, स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। चौकोरे सफ़ेद रंग का उजला रोशनी से भरा हुआ। उसके बाद सेह की का प्रयोग करेंगे, सेह की लाल रंग का रोशनी से भरा हुआ। चौकोरे शक्ति का प्रतीक होता है और सेह की उसे बैलेंस करने का, पवित्र प्रेम परमात्मा का, अनकंडीशनल लव, हम इस नाम से उसे जानते हैं। बेसिकली पहले हम चौकोरे से शुद्ध करते हैं, चौकोरे को स्थिर करते हैं और सेह की से उसे बैलेंस करते हैं। सेह की, सेह की, सेह की, स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। देन दूसरे हाथों में चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। सेह की, सेह की, सेह की, स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। इस तरह से आपकी हथेली रेकी हीलिंग के लिए पूरी तरह से रेडी हो चुकी है। देन सबसे पहला काम, अपने पूरे शरीर में एक चौकोरे डालेंगे। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, शुद्ध हो, शुद्ध हो, शुद्ध हो। चौकोरे चौकोरे चौकोरे, स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। सेह की, सेह की, सेह की, स्थिर हो, स्थिर हो, स्थिर हो। बिल्कुल जो हथेली में किया वो अपने पूरे ऑरा में, पूरे बॉडी में करना है। देन चौकोरे और सेह की को स्थिर करने के बाद आप अपने ऑरा को लॉक कर देंगे। सफ़ेद रंग की रोशनी, एक घेरा, हरे रंग की रोशनी,
और लाल रंग की रोशनी, और यहाँ बनाएंगे चौकोरे 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 चौकोरे, सुरक्षित सुरक्षित सुरक्षित। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप पूरा हाथ घुमाएं, आप अपनी कल्पना से यहीं से ही घुमा सकते हैं, हरा लाल। इस तरह से आप अपने ऑरा को, अपने आप को पहले सुरक्षित कर लेंगे किसी भी रेकी हीलिंग से पहले। ये रोज़ की प्रैक्टिस, जब पहले दिन की पहली बार जब आप करते हैं उस टाइम ये काम कर लेंगे, उसके बाद दिन में अगर दोबारा कभी हीलिंग करते हैं इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ रेकी हीलिंग को कॉल कीजिए, रेकी एनर्जी को कॉल कीजिए जैसा कि मैंने बताया, और रेकी हीलिंग शुरू कर दीजिए। लेकिन दिन के पहली बार में ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी होगा। मैं हमेशा आपको एक बात सिखाता हूँ कि रेकी हीलिंग सिंबल अपनी जगह है, आपकी श्रद्धा अपनी जगह है, आपकी प्रैक्टिस अपनी जगह है, लेकिन इन सब में सबसे मेन होता है आपका कॉन्सेंट्रेशन लेवल, आपका फोकस, आपकी स्थिरता, आप जो करने वाले हैं उस पर आपका पूरा ध्यान। और ये पूरा ध्यान ही आपकी रेकी हीलिंग को परफेक्ट बनाता है, साकार बनाता है। किसी भी रेकी हीलिंग में 3 मिनट से 5 मिनट का समय दिया जाए काफ़ी है, बहुत ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है। दिन में कितनी बार होना चाहिए? 2 बार मैक्सिमम होता है। 2 बार आप किसी भी रेकी हीलिंग को, एक ही सब्जेक्ट को लेके, इसी काम, एक ही काम को लेके 2 बार तक कर सकते हैं। तीसरी बार करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये वेस्ट है। 3 बार 4 बार 5 बार करेंगे, आपकी श्रद्धा है आपका लीजिए, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है, 2 बार सफिशेंट है। 3-3 मिनट का अगर आप 2 बार करते हैं काफ़ी है। वैसे मैं जनरली रेकी हीलिंग करता हूँ, मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, किसी भी एक प्रॉब्लम को लेकर के 1 बार रेकी हीलिंग करते हैं अपने क्लाइंट्स को का। तो चलिए, आज की इस वीडियो में मैंने आपको जैसा कि सिखाया कि कैसे हम रेकी हीलिंग को कॉल करते हैं, अगली वीडियो में आपके अगले सवाल का जवाब दूंगा। तब तक के लिए नमस्ते है जी।